सूरा मेरे में पमान में पदिंग आज का जो हमारा दिन है वो बड़ा ही मंगलकारी बड़ा ही लाभकारी बड़ा ही अगर ये कहें कि डिफेंस डे है असेंबली डे है हमारा प्ले डे है हमारा हैप्पी डे है तो ये शुभ शनिवार सभी चीजों को पूरा करता है शुभ शनिवार यानी सन्निकट बैठने का साथ साथ बैठने का पूरे दिन बैठ के मंत्रणा करने का पूरे दिन बैठ के योजनाएं बनाने का पूरे दिन बैठ के अपनी सुरक्षा और आने वाले कार्य करने का दिन और अपने सत्तक दंड के साथ यानी कि जो हमारा सस्त वाला डंडा है उसके साथ बैठने का दिन जो हमारा ऑफिशियल सत्थक दंड है जो हमारे पुरखों ने हमारे महासभलों ने हमारे सबड़ों ने हमेशा अपने साथ रखा उस सत्थक दंड के साथ शस्त्र वाले हथियार के साथ अपनी संगति अपनी बैठक अपनी सम्मेलन अपनी असेंबली लगाने का दिन सन्निकट बैठने का दिन साथ साथ बैठने का दिन सन्निपात बाहुल का दिन जिसको आज के समय हम सन्निवार कहते हैं बस अंतर इतना है कि इसको अब हम शुभ कहने लगे हैं और कुछ लोगों ने इसको अशुभ शनिवार यानी शनिचर और शनिचरिया और मनुष्य शनिचर करके घोषित कर दिया जबकि ये सबसे ज्यादा हमारे लिए शुभ है पर जिन लोगों ने इसको अशुभ कहा जिन लोगों ने इसको बेकार कहा जिन लोगों ने इसको खतरनाक कहा उनके लिए वास्तव में ही अशुभ था उनके लिए वास्तव में ही ये मनुष्य दिन था क्योंकि उस दिन उनकी आफत आती थी उन्होंने जो भी पाप कर्म किए हैं उनका हिसाब होता था और हम सब लोग आपस में बैठ के उनका हिसाब लिया करते थे इसलिए शुभ शनिवार हमारे लिए शुभ है और जो ऐसे लोग हैं पाप कर्म करने वाले उनके लिए मनुष्य दिन है उनके लिए अशुभ दिन है तो शनिवार शुभ भी है और शनिवार अशुभ भी है ये ठीक ऐसे है जैसे दो सेनाएं होती हैं अपने देश में उनको सब शुभ सेना बोलते हैं अच्छी सेना बोलते हैं पर दूसरे देश के लिए वही सेना मनुष और अशुभ हो जाती है यानी भारत देश की सेना भारत के लोगों के लिए शुभ सेना है बढ़िया सेना है हैप्पी सेना है अच्छी सेना है और वही हमारी सेना जब दूसरे देश में लड़ने जाती है तो उनके लिए दुश्मन सेना हो जाती है मनुष्य सेना हो जाती है तो इसी तरह से जो शुभ शनिवार है हमारे लिए शुभ है पर जो हमारे विरोधी या पाप कर्म करने वाले लोग हैं उनके लिए मनुष है इसलिए अपने शुभ शनिवार के दिन हमेशा इकट्ठे होना चाहिए मिठाई बांटनी चाहिए चाय नाश्ता करना चाहिए बैठना चाहिए उठना चाहिए पूरा दिन हमको साथ साथ रहना चाहिए सन्निपात बाहुल करना चाहिए और इसमें जो सत्थक दंड है यानी सस्त वाला डंडा है उस एक सस्त वाले डंडे का नाम त्रिशूल भी है तीसूत्र भी है और ये सस्त वाला डंडा जो बाद में शंकर वर्ण के लोग हुए हैं यानी के जो हाइब्रिड लोग हुए हैं जो संखर लोग हुए हैं संस्कारित लोग हुए हैं उन्होंने अपनाया है जो बाद में इसको महायान में सम्मिलित करके और महायान के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि आज एक ऐसे ही बहुत सारे महायानियों की सील का दिन है जिसमें वो अपनी सील का जागरण करते हैं सील की प्रैक्टिस करते हैं इसलिए इसको महासील रत्ती बोलते रत्ती माने होता है रात्रि क्योंकि त्रय हमारे यहाँ है नहीं आधा होता नहीं तो पाली में जो ओरिजिनल शब्द है वो है महाशील रत्ती यानी महा और सील को बाद में शीब बनाया गया है क्योंकि शैव पाली में नहीं होता इसलिए शंकर भी पाली में नहीं है शील भी पाली में नहीं है और शैव भी पाली में नहीं है तो पाली के अंदर क्या है पाली के अंदर सील है पाली के अंदर जितना भी आता है वो सील रत्ती करके आता है और पाली के अंदर सारा सारा से चलता है तो पाली के अंदर शंकर नहीं है संखर है संखर माने हाइब्रिड हाइब्रिड मतलब जो दो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से उत्पन्न होता है चाहे वो फसल हो चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो उसको हाइब्रिड बोलते हैं संस्कारित बोलते हैं संखारित बोलते हैं संखर बोलते हैं संखर नस्ल बोलते हैं बाद में इसको शंकर नस्ल बोलने लगे शंकर प्रजाति बोलने लगे या हाइब्रिड पूरी पूरी सिस्टम बोलने लगे ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में बहुत सारी चीजें चलती हैं जो उस देश की हैं पर उस देश की चीजों को उस देश के लोगों की जानकारी से हटा दिया जाता है ताकि उनको अपनी असलियत अपनी जानकारी का एहसास ना हो और वो वही माने जो उनको बताया जाता है ऐसा हमेशा होता है प्रचार प्रसार से आप चीजों को बदल सकते हैं प्रचार प्रसार से आप चीजों को नष्ट कर सकते हैं प्रचार प्रसार से आप चीजों को उल्टा घुमा सकते हैं प्रचार प्रसार में बड़ी ताकत होती है इसलिए बोलते हैं कि एक रस्सी जो सूत की बनी होती है जो सन की बनी होती है जो जूट की बनी होती है अगर वो बार बार एक पत्थर पर रगड़ती है पनघट पर तो पत्थर को काट देती है इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक मेक मैन परफेक्ट यानी कि जो अभ्यास है निरंतर अभ्यास वो आदमी को हमेशा से परफेक्ट बनाता है बिल्कुल अच्छा बनाता है और इसलिए कहते हैं कि जागू से लागू अच्छा यानी जो जागृत आदमी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है पर जो लगा हुआ है लगातार अभ्यास कर रहा है वो कामयाब हो जाता है यानी निरंतरता और लगातार निरंतरता प्रचार की प्रसार की और काम की हमको सफलता की गारंटी देती है जागृत होने से और पढ़ने से और पीएचडी लेने से या बहुत बड़ा अफसर बनने से या बहुत बड़ा आदमी बनने से कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है ऐसा पहले भी कई बार हुआ है जब पच्चेक बुद्ध आए जो बुद्ध के बराबर जानकार थे पर उन्होंने इसको फैलाया नहीं अभ्यास नहीं किया प्रचार नहीं किया इसलिए वो मर गए ऐसे पच्चे बहुत सारे हैं पर जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और सम्यक बुद्ध बने और उन्होंने प्रचार प्रसार फैलाया तो क्रांति कर दी इसलिए प्रचार प्रसार में बड़ी ताकत होती है वो सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है और इसीलिए हमको समझना चाहिए कि वो सारी चीजें कैसे काम करती हैं कैसे नहीं काम करती हैं आज जो हम दिन मनाते हैं जिसको अगर हम कहें कि संस्कृत भाषा में बोलेंगे संस्कृत में बोलेंगे तो महाशील महाशिवरात्रि बोलते हैं और अगर पाली में बोलेंगे तो महाशील रत्ती बोलते हैं ये दरअसल हमारा बहुत पुराना दिन है पर ज्यादा पुराना भी नहीं है वो तो ज्यादा पुराना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर कोई बात जाननी हो तो आपको जानने के लिए उस कहानी का उस स्टोरी का उस जो जानकारी आपको दी गई है उसका पूरा का पूरा अता पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो कहानी बताई गई है वो इतिहास है या कहानी है तो पुराण से जो कहानी आती है पुराण का मतलब होता है पुराना और पौराणिक कथा का मतलब होता है पुरानी कथा पुरानी कथा और कथा का माने होता है जो कहा गया था यानी जो कहा गया था कहा गए थे कि <laughs> कोई गारंटी नहीं होती जो पुराना है और कहा गया था है उसका कोई इतिहास नहीं होता वो काल्पनिक भी हो सकती है काल्पनिक ना भी हो सकती है मिक्स की हुई हो सकती है झूठ भी हो सकती है सच भी हो सकती है टेढ़ी भी हो सकती है मेड़ी भी हो सकती है और लगातार कहते कहते बदल भी जाती है क्योंकि एक बात जो यहाँ कुछ कही जाती है वो बात अगर तमिलनाडु तक पहुंचती है तो पहुंचने में सालों लगते हैं और वहां भाषा और क्षेत्र के हिसाब से वो पूरी पूरी बदल जाती है यानी एम का डब्लू हो जाता है और डब्लू का एम हो जाता है ऐसे पहले भी सब भाषाओं में हुआ है और लिपि में हुआ है और ये लगातार निरंतर पूरी दुनिया में चलने वाली प्रक्रिया है और ये साइंटिफिक मेथड है कि एक चीज जो स्वरूप जहां पैदा होती है वहां से जब वो चलती है उसका स्थानांतरण होता है स्थान का अंतरण होता है तो वो बदलनी शुरू हो जाती है तो पौराणिक कथाओं का कोई यकीन नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि पौराणिक कथाओं में समय नहीं दिया होता भाई आपने कथा सुनी है कथा लिखी है कथा प्रिंट की है अक्षर बनने के बाद में प्रिंट किया कागज पे आप पौराणिक कथा बताते हो पर पौराणिक कथा में आप ये नहीं बताते कि किस सन की है किस डेट की है किस समय की है किस स्थान की है ये पौराणिक कथा का लेखक कौन था जो अगर ये कथा है तो ये कथा को कहा किसने है किस संदर्भ में कहा है कब कहा है क्यों कहा है कहां से ये बड़ी है किस भाषा की है किस क्षेत्र की है नर ने कहा या नारी ने कहा या किसी बच्चे ने कहा या कोई बाहर के आदमी ने कहा ये सारी चीज पौराणिक कथाओं में कभी नहीं मिलेंगी पौराणिक कथाओं में जो करैक्टर होते हैं उन करैक्टरों का यानी पात्रों के सिर्फ नाम होते हैं उनका ना जन्म होता है ना उनका स्थान होता है ना उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना उनका इतिहास होता है ना उनकी भाषा होती है ना उनकी लिपि होती है ना उनकी बोचल होती है ना उनकी कोई ऐसी चीज होती है जो इतिहास से प्रूव हो ना ही उनके कोई साक्ष्य होते हैं वो सिर्फ पौराणिक कथा होती है इसलिए कोई अगर कहता है कि ये बात कहां से आई और कहे कि पौराणिक कथा है तो उस पर यकीन करे या ना करें वो आपके ऊपर है आपकी मान्यता उसके ऊपर है कि यकीन करेंगे या नहीं करेंगे इसलिए जो बुद्ध का साहित्य है वो इतिहास से आरंभ होता है क्योंकि बुद्ध के साहित्य में जितनी बात है उसमें पहले संदर्भ है ये बात फलानी जगह फलाने संदर्भ में फलाने लोगों के सामने कही गई और उन लोगों ने उस बात का तस्दीक की है यानी कि गवाही दी है कि हाँ ऐसा हुआ है तब वो बातें आई है जो बातें की गई है इसलिए बुद्ध की सारी चीजें मिलती हैं बुद्ध के थूप यानी स्तूप मिलते हैं बुद्ध के सारे की सारी, सारी सलाहें मिलती हैं और बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा से प्रमाणिक रही और मिलती हैं इसलिए दुनिया में भारत के अंदर ये बताते हैं कि भारत में जो इतिहास आरंभ हुआ है वो बुद्ध के बाद से आरंभ हुआ है महावीर जैन के बाद से आरंभ हुआ है उससे पहले इतिहास पौराणिक कथाओं में चलता है और पौराणिक कथाओं की कोई सत्यता कोई प्रमाणित करने को तैयार है ना कोई इसको कर सकता है और ना ही कोई आज तक किसी में क्षमता है पर ये जो महाशील जात्रि की और जो शंखर की जो कथा है ये मिलती है पुराण के अंदर जिसको शंखर पुराण बोलते हैं यानी शिव पुराण बोलते हैं उसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो चलती हैं पर उन कहानियों में कहीं कोई समय या उनके सक्सेसर कौन रहे या उनके प्रोड्यूसर कौन रहे मतलब उनके वारिस कौन रहे बाद में या वो किसके वारिस रहे कौन उनके आगे पीछे चैन रही कहां से वो लोग थे और कहाँ से आए ऐसा जिक्र नहीं होता सिर्फ कहानी स्टार्ट होती है और कहानी खत्म हो जाती है पर आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि कहानी किसने कही कौन था वो पात्र है भी या नहीं है उसके बेटों का बेटी का क्या हुआ उसके बच्चे कहाँ हैं उसकी जगह कहाँ है उसका महल कहाँ है उसका घर कहाँ है उसका कोई चिन्ह कहाँ है उसके वस्त्र कहाँ है उसके कपड़े कहाँ है उसका लोहे का जो सत्थक दंड है वो कहाँ है या उसका कोई सामान ऐसा है वो नहीं मिलता कहीं भी इसलिए पौराणिक कथाओं को कभी भी पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने सच नहीं माना और जितने भी साहित्यकार हैं वो भी सच नहीं मानते पर मान्यताएं चलती है तो यहां जो शब्द है संकर ये जो शंकर शब्द है ये शंकर शब्द जब बना जब समण और वमण से दोनों के मिलने से उत्पत्ति लोगों की हुई यानी दो नस्ल के मिलने से तीसरी नस्ल पैदा हुई तो यहां समर्थ थे और वर्म थे और समण वर्मण से जो उत्पत्ति हुई जो संतान पैदा हुई उनको संकर वर्ण बोलते हैं यानी कि उनको मिक्स ब्रीड बोलते हैं और मिक्स ब्रीड दुनिया में बहुत सारी हैं और भारत में तो हजारों मिक्स ब्रीड है हजारों शंकर प्रजातियां हैं इसलिए ये जो शंकर हैं शंकर महादेव या अरत शंकर महादेव है ये शंकर अरत महादेव की जो क्रियाकलाप है और जो चिन्ह मिलते हैं सा, सारे सारे आज की कथाओं के अनुसार या उस कथा के अनुसार ये सच है या झूठा ये तो आप मानो पर जो चिन्ह मिलते हैं वो चिन्ह ये बताते हैं कि बुद्ध के बाद में महायानियों में से बहुत सारे लोग जो शंकर वर्ण के थे उन शंकर वर्ण के लोगों ने बुद्ध के धर्म को चारों तरफ फैलाया और ऐसे शंकर वर्ण के सभी लोगों को संकर बोला करते थे और ये शंकर एक नहीं है ये शंकर बहुत सारे हैं क्योंकि बारह प्रकार के तो जो स्तूप मिलते हैं स्तूप और थूप जो सारे सारे मिलते हैं वो मिलते हैं जो बुद्धिस्ट लोग और बौद्ध वाले लोग या जैन वाले लोग में भी कुछ प्रथा थी वो अपने किसी बहुत बड़े महाज्ञानी महाभिक्कू या भिक्कुणी के मरने के बाद वहां पर मिट्टी का एक पूरा पूरा चबूतरा या टीला बनाया करते थे पंजाब में टीलों के नाम से चलते हैं और उत्तर प्रदेश में भी मिट्टी के टीले बहुत बड़े बड़े मिलते हैं और कई टीलों के अंदर बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं पहले मिट्टी के बनाया करते थे फिर जब ईंट आ गई तो मिट्टी और ईंट के बनाने लगे और जब खाली ईंट हो गई तो ईंटों के बनाने लगे और जब फिर पत्थर और उस समय तांबा आ गया और धातु आ गई तो धातु से और तांबे से काट के फिर पत्थर के बनाने लगे और फिर पत्थर के जब घिसने और पॉलिश करने वाले आ गए तो ये बड़े सुंदर सुंदर चिकने चिकने थू बनाने लगे जिनको आप सील अंग बोलते हैं शीलंग जिसको आप शिवलिंग बोलते हैं शीलंग और शिवलिंग एक ही शब्द है दरअसल जो शिव शब्द है शिव का मतलब सील है पाली में शिव शब्द कहीं नहीं मिलता शिव भी नहीं मिलता पर शील मिलता है ंग इसलिए जो लिंग शब्द है लिंग का मतलब होता है पाली के अंदर चिन्ह यानी कि कोई चीज है उसको चिन्ह को लिंग बोलते हैं और स्त्री में और पुरुष में जो चिन्ह होते हैं जो स्त्री को स्त्री बनाते हैं और पुरुष को पुरुष बनाते हैं इसलिए उनको बोलते हैं जनना लिंग यानी कि जनन के लिंग जो पैदा करने के लिंग होते हैं लक्षण होते हैं चिन्ह होते हैं इसलिए है। तो लिंग भेद भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके जो पहचान के चिन्ह है उनमें अंतर है तो लिंग भेद पूछा जाता है और बाद में खाली ये लिंग रह गया जो दोनों में आता है स्त्री में भी होता है लिंग और पुरुष में भी होता है यानी कि चिन्ह दोनों में अलग अलग होते हैं तो ये जो लिंग है सील 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 के सील के लिंग, सील के के लिंग सील लिंग यानी चिन्ह स्तूप को बोलते हैं सीलिंग बोलते हैं क्योंकि वो सील का लिंग है और ये जो शिव है ये सील है तो जितना भी के अंदर बताया जाता है और जो चिन्ह आते हैं वो चिन्ह बड़े कमाल के हैं चिन्ह बड़े कमाल के इसलिए हैं क्योंकि जो मूर्त आती है जो पिक्चर आती है वो पिक्चर अभी बननी शुरू हुई है पिक्चर बहुत बाद में बनी है पिक्चर पहले नहीं थी कागज पहले नहीं था पहले पिक्चर नहीं बनती थी और पत्थरों पर उकेरी हुई बहुत कम मूर्तियां हैं उससे पहले चिन्ह है नहीं मेरे पास जो अरत महादेव यानी कि शिव का जो पोस्टर है पुराना भी है नया भी है और धीरे धीरे वो मोडिफाई होते जाते हैं उसमें कुछ चीजें बड़ी कमाल की मिलती है एक तो ये कि जो शंकर लोग होते थे जो पहाड़ पर रहते थे वो खाल पहना करते थे खाल तो सारी दुनिया पहनती थी कोई नई बात नहीं है क्योंकि खाल का चीवर कपड़ा बनने से पहले सब लोग खाल ही पैदा करते थे तो वो खाल का चीवर पहनते थे क्योंकि ठंड में खाल बचाती है दूसरा जो त्रिनेत्र है जो तीसरा नेत्र है उसको प्रज्ञा का नेत्र बोलते हैं कि वो जानकारी का प्रज्ञा क्या यानी कि व्यक्ति की दो आंखें होती हैं पर दो आंखों से परे जो देख ले उसको बोलते हैं प्रज्ञावान प्रज्ञावान हर एक आदमी नहीं होता इसको पाली के अंदर पैयावान बोलता है ये पैयावान नेत्र है यानी कि इसकी ये जागृत है और इसको पीछे का भी सब दिखाई देता है आगे का तो ये देखता है ये सब जानता है सब समझता है तो उसको प्रज्ञा का नेत्र बोलते हैं और जो गले में सांप है गले में और जो हाथ में सांप है तो सांप कोई पालता नहीं सांप कोई रखता नहीं सांप किसी के शरीर पर लपेटे हुए आपको आज भी नहीं मिलेंगे पर सप पाली के अंदर सांप को सप बोलते हैं और नाग को बोलते हैं हम लोग यानी हम जो लोग हैं भारत के सवर्ण लोग हैं इनको नाग बोलते हैं और इनकी महिलाओं को नागिन बोलते हैं नाग और नागिन हमारी पहचान है जैसे हम जितने भी लोग हैं वो नाग वंश के लोग हैं इनका टोटम हुआ करता था सवण लोगों का अलग अलग तो कुछों का टोटम जैसे मोर है मौर्या से यानी कि है जानवरों के नाम से ही तो मोर है तो मौर्या है कुछ लोगों का टोटम हुआ करता था सप यानी कि नाग पर सप जो बनाया है वो बाद में बनाया है नाग का मतलब होता था हाथी यानी टोटम हमारा हाथी है पर हम लोग इतने ज्यादा जबरदस्त ताकतवर थे कि हमारे अपोजिट लोग लोगों ने जो हमारे विरोधी लोगों हैं उन लोगों ने हमारे हाथी के नाग को सप में बदल दिया सांप में बदल दिया और हमारे शरीर पे उसका टोटम सांप का बना दिया कि ये जहरीले लोग हैं उनके लिए हम जहर जहरीले थे क्योंकि उनकी बात नहीं मानते थे उनकी बातें गलत थी अपने लिए तो हम सारे सारे हाथी वाले लोग थे तो नागवंशी है तो सप को नाग क्या लगे और नाग हाथी से सप बन गया और फिर वो चिन्ह जो शरीर पे आता है वो टोटम बन गया तो नाग जहां होता है यानी सप जहां होता है वो नागवंशी लोगों का होता है तो ये पता चलता है कि जो जितने भी अरत महादेव हैं जितने भी शंकर हैं शंकर बहुत सारे हैं और सभी सारी सबने बुद्ध का काम किया बाद में तो वो सारे सारे नागवंशी लोग रहे हैं और वो सारे के सारे ब्लैक रहे हैं क्योंकि कोई भी संकर जो जितने भी शंकर हैं चाहे वो तमिलनाडु के संकर हैं चाहे वो महाराष्ट्र के शंकर हैं चाहे वो कश्मीर के संकर हैं चाहे वो झारखंड के शंकर हैं है, क्योंकि बारह तो बड़ी बड़ी जगह स्थापित है यानी बारह शंकर तो बड़े बड़े रहे हैं और इसके अलावा छोटे 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 शंकर बहुत सारे हैं तो ये सारे ही शंकर समल होते थे यानी कि ब्लैक स्किन वाले होते थे और ये ब्लैक में आते थे इनका जो शरीर है वो बलिष्ठ शरीर है जो देसी समल में आता है यानी कि भारत के शरीर से मिलता जुलता काला और बलिष्ठ शरीर है और इनके जो अनुयायी और फॉलोवर थे वो वमण नहीं थे किसी भी शंकर अरत महादेव का जो फॉलोवर है वो कभी भी कोई वमण नहीं रहा क्योंकि वमणों का अलग समुदाय रहा है जिसको वैष्णव बोला करते थे वैष्णव समुदाय वैष्णव का मतलब है जो विष्णु को माना करते थे और सैब समुदाय वो होता था जो सीलों को माना करते थे जो शंकर महादेव की बातों को माना करते थे इसलिए शंकर महादेव का समुदाय अलग है जो सारा का सारा भारत के समण लोगों का है और जो वैष्णव समुदाय है वो सारा वो है जो वमण लोगों का है दोनों में डिफरेंस है और दोनों साथ साथ नहीं बैठते दोनों ही अलग अलग रहते हैं इसलिए आज तक भी दोनों साथ नहीं है वैष्णव समुदाय अलग होता है और सैब समुदाय यानी सील समुदाय अलग होता है तो उनके पास में जो शंकर हरत महा महादेव है हमेशा एक नंदी मिलेगा आपको नंदी का मतलब है नंदी माने होता है खुशी हैप्पी नंदी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई गाय लेके जा रहे हैं क्योंकि गाय को उस समय जो बोला जाता था वो धैनु बोला जाता था तो धैनु नहीं बोलते नंदी बोलते हैं नंदी का एक प्रतीक चिन्ह है नंदी का मतलब है कि जो वो काम कर रहे हैं उससे आनंद आता है उससे खुशी मिलती है और क्या काम करते हैं जितने भी महा महादेव हैं ना वो खेती करते हैं ना वो व्यापार करते हैं ना ना वो कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वो लोगों को समझाने का पढ़ाने का काम करते हैं अपने त्रिनेत्र से अपने जागृति वाली ज्ञान से लोगों को ज्ञान देते हैं तो कौन सा ज्ञान देते हैं वो बुद्ध के अनुसार उनकी विपसना साधना में बैठते हैं आप बुद्ध का फोटो देखिए बैठे हुए और आप अरत महादेव का फोटो देखिए अरत का मतलब होता है जो अरंत हो चुके हैं जिन्होंने अपने दुख को राग रागदेव को मुक्त कर दिया है और बुद्ध सबसे बड़े अरथ रहे अर... हैं तो उसी मुद्रा में बैठ के वो साधना करते हैं तपस्या करते हैं और उन्हीं की कहानियां चलती हैं जो कहानी चलती है वो बड़ी मजेदार है क्या कहानी चलती है एक कहानी चलती है समुद्र मंथन की समुद्र मंथन यानी समुद्र मंथन को समुद्र को मथा जा रहा है अब आप सब सोच सकते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति समुद्र को नहीं मत सकता क्योंकि किसी भी हालत में समुद्र इतना विशाल है कि दुनिया सारी उसमें समा जाए तो अभी छोटी पड़ जाएगी एक तिहाई लैंड है हमारे पास और दो तिहाई समुद्र है पानी है समुद्र समुद्र उसे कौन मथेगा पर मंथन का जो कहानी है वो बड़ी कम वो बड़ी मैदार है मैदार इसलिए है कि वो विपसना पे आधारित कहानी है एक तो ये देखिए कि समुद्र मंथन का मतलब क्या है समुद्र मंथन का मतलब ये है कि जो मन का समुद्र है जो हमारा मन है जो विशाल है समुद्र की तरह क्योंकि मन सबसे बड़ा होता है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है यह समुद्र से भी बड़ा और विशाल है मन एक मिनट में आपका तमिलनाडु पहुंच जाएगा और एक सेकंड में आपका अमेरिका पहुंच जाएगा और एक सेकंड में आपका अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा और एक सेकंड में आपका ग्रह पे जुपिटर पे पहुंच जाएगा और एक सेकंड में आपका मंगल ग्रह पे पहुंच जाएगा जितनी मेमोरी इस मन के अंदर है जो जो पिक्चर आपने देखी है जो जो वीडियो आपने देखी है जो जो कहानी आपने सुनी है और जहां तक आप कल्पना कर सकते हो वहां तक मन चला जाता है पर समुद्र नहीं जा सकता समुद्र पृथ्वी पर ही रहेगा तो मन को मथना यानी कि जो मन है उसको मथना मथना मतलब उसमें देखना कि उसमें क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है और कौन मथ रहा है नाग नाग का जरिया यानी कि नाग के जो लोग हैं क्या माध्यम बनाया उन्होंने नागवंशी को भिक्कू को जो नाग है उसको माध्यम बनाया उसने मथवाया उसके द्वारा मथा यानी कि किसी बड़े भिक्कू ने जो नागवंशी रहा है उसकी मदद से उन्होंने मन का मंथन किया और पूरी रात मन का मंथन किया तो जब आदमी मन का मंथन करता है तो तीन चीजें निकलती हैं एक निकलता है राग एक निकलता है देश और एक निकलता है मोह मूर्ता तीन चीजें निकलती हैं मोह मूर्ता की जो क्वांटिटी है वो बड़ी कम होती है समझ में नहीं आती मोह मूर्ता उसे बोलते हैं कभी राग चाहिए कभी राग नहीं चाहिए कभी देश चाहिए कभी देश नहीं चाहिए पर दो चीजें लगातार आती है निकल के एक राग और एक द्वेष राग का मतलब है वो चीजें जो आपको चाहिए उसमें शराब हो सकती है उसमें पैसा हो सकता है उसमें स्त्रियां हो सकती हैं उसमें पुरुष हो सकते हैं उसमें जमीन जायदाद हो सकती है उसमें सल्तनत हो सकती है उसमें जो आप चाहें कोई आदेश देना चाहे वो हो सकता है उसमें पद हो सकता है पोस्ट हो सकता है खाना हो सकता है कोई भी चीज जो आपकी इद्दियों को आपके सेंसिस को सेटिस्फाइड करती हो और उनको बढ़ाती हो और जिससे आपको एक सुख की अनुभूति जैसी होती हो सुख नहीं होता सुख की अनुभूति जैसी होती है उसको राग कहते हैं जैसे आपको कार आई तो बड़ा अच्छा लगा पर कार चली गई तो द्वेष हो गया या किसी के पास बड़ी कार आ गई और आपको चिड़ होगी तो द्वेष हो गया तो दो चीजें निकली एक द्वेष निकला द्वेष का मतलब है जलन निकली ईर्षा निकली लालच निकला एक दूसरे को हत्या करने का पुराण निकला हिंसा निकली ये जितनी भी निगेटिव चीजें हैं उनको देश बोलते हैं जो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो जब मन का मंथन करते हैं और पूरे मन का मंथन करते हैं रात भर करते हैं विपसना के थ्रो और किसी नागवंशी भिक्कू के भिक्ष उसकी मदद से तो ये दो चीजें उसमें निकलती हैं तो जो शंकर अरहत महादेव जितने भी हुए हैं जब वो मंथन करते थे और विपसना में बैठते तो दो चीज निकलती थी तो एक विपसना के अंदर टेक्निक जो बुद्ध ने सिखाई उस टेक्निक में एक बड़ी मजेदार चीज उन्होंने सिखाई कि अगर मान लो द्वेष निकलता है पाप निकलता है ईर्षा निकलती है हिंसा निकलती है निगेटिव जो पावर्स हैं वो निकलती हैं होती हैं मन के अंदर सबके अंदर होती हैं तो उनको भोगता भाव में नहीं देखना है यानी कि उनका उपयोग नहीं करना है उनको शरीर पर नहीं आने देना है अगर वो शरीर पर आएंगी तो शरीर को नष्ट कर देंगी वो बड़ी पावरफुल होती है वो शरीर को खत्म कर देती है वो दरअसल मार का एक भयंकर रूप होती नहीं। नहीं है मौत का भयंकर रूप होती है तो क्या सिखाया बुद्ध ने बुद्ध ने यह सिखाया कि उनको सिर्फ जानो और उनको जान के और जानकारी तक रखो उनको शरीर पर मत आने दो तो क्या करते हैं अरथ महादेव जितने भी शंकर हैं उनको सिखाया जाता है कि जो इसमें निकला है द्वेष उसको सिर्फ गले तक रखो यानी कि यहां तक रखो नीचे शरीर पर मत आने दो और यहां रखते रखते उसको शांत करो उसको कभी एक्टिव मत होने दो तो जितने भी शंकर अरत महादेव हैं या जितने भिकुम हैं जितने करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं द्वेष को खासतौर से और राग को भी कंठ में रख रख ले लेते हैं यानी नीचे नहीं आने देते शरीर में और पेट में उसको पश्चिम नहीं देते शरीर पर नहीं आने देते तो सुखी रहते हैं तो परेशानी हुई जो रुकता है सुर में उसको परेशानी होती है बेचैनी करती है कोई शराब का शौकीन है और शराब पीना चाहता है और शराब सामने रखी है अब क्या करे अब शरीर में उसके कीड़े उठ रहे हैं उसको शराब चाहिए तो वो शराब को जाने के शराब ऐसी होती है वैसी होती है और गले तक रखे और नीचे ना आने दे तो शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता तो उससे वो सुखी रहता है सुखी रहता है इसीलिए कंठ कहते हैं नीला हो गया जैसे जहर होता है नीला नीला हो जाता है, नीला जाता है है आदमी पड़ तो उपमा दी गई एक उदाहरण दिया गया कि जो अरत महादेव होते हैं जितने भी शंकर होते हैं वो अपने गले में जहर रख लेते हैं जो निकलता है और ये समुद्र मंथन बार 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 होता है इसको व्यवस्था में बहुत सारे लोग दुख करते हैं तो ये काम उन्होंने किया और कहते हैं कि जब व्यक्ति इसको शरीर पे नहीं आने देता उसका जो मन है वो शांत और शीतल हो जाता है गंगा की तरह ठंडा और गंगा की तरह प्यास बुझाने वाला होता है उसमें से करुणा निकलती है तो प्रतीक प्रतीक्ष बना करुणा का और उनके जो सर जो सर है सर में से गंगा निकलती दिखाई दी भला कहीं जटाओं में से पानी निकलता होगा नहाने के बाद दो मिनट निकलता है सूख जाती है जटाएं पर रखा गया और ये जटा वाले जो लोग हैं जो जटा रखते हैं ये बौद्ध अनुयायियों के बाद में बने हैं जो जटी लोग बने हैं जटी जो जटा के साथ बने और जो परिवार के साथ महायानी परंपरा के अंदर आप परिवार के साथ भी बुद्ध में विपसना में या ज्ञान में जा सकते हैं और महायानी अगर नहीं आप ही यानी है तो आपको जटाएं कटानी पड़ेंगी इसलिए बौद्ध भिक्षुओं में एक नई परंपरा आई कि वो अपनी जटाएं भी रख सकते हैं तो ये जटाधारी सारे भिक्कु हुए जितने भी थे और वैसे भी ठंड में कुछ लोगों ने जटाएं इसलिए रखी क्योंकि ठंड में उनको दिक्कत होती है जो वहां पर पहाड़ी के अंदर थे तो जटाएं वाले हो गए ये सारे के सारे जो प्रतीक चिन्ह है बैठने के उठने के आनंदी के और हाथ में क्या है ति का मतलब है संघंग सरण गच्छामी बुद्धंग सरणंग गी और धम्मंग सरण गच्छामी का तीन सूत्र और सत्तक दंड भगवान बुद्ध ने दिया है अपनी जान बचाने के लिए तो सत्तक दंड साथ चलता है सत्तक दंड उनके साथ है और एक चीज और है जो अरत महादेव साथ रखते हैं भिक्षुओं के लिए भगवान बुद्ध ने एक बार निकू ने कहा कि कई बार खाना हमको ऐसा मिलता है कि वो खाना थोड़ा परेशान करता है तो हमको लोण रखने की यानी कि नमक लौड़ बोलते नमक को नमक रखने की परमिशन दी जाए तो बुद्ध ने उनको कहा कि ठीक है आप सिंग के अंदर नमक को रख के ले जा सकते हैं तो सिंह जानवरों के सिंह बहुत मिलते थे क्योंकि यहां तो जो हमारा देश है उसमें चौपाए बहुत हैं जानवर बहुत हैं तो जानवरों के सिंह बिखरे रहते थे तो भिक्कू लोग जानवरों के सींग में नमक रखकर उसका उपयोग करते थे नमक प्रसिद्ध चीज होती थी पहले क्योंकि हर जगह नहीं मिलता था नमक या तो पत्थरों से मिलता था और या समुद्र के किनारे मिलता था आजकल तो आपके घर पर हर जगह मिल जाता है दुकान पे तो वो रखा करते थे तो उसको सिंग लौड़ बोला करते थे सिंग लौड़ यानी सिंग में नमक तो लौड़ सिंह या सिंग लौण जो चलता था वही अरत महादेव भी रखते थे इसलिए आज के समय जो अरत महादेव है उनके पास उनके यहाँ एक सिंग टंगा हुआ आपको मिलेगा और जो उनकी पत्नियां हैं वो भी विपसना करती थी साधना करती थी और वो सती पठान तक सीखती थी इसलिए जितने अरत महादेव हुए हैं उनकी पत्नियां सारी की सारी, सारी सती माता रही हैं जो सिखाती थी और वो हमेशा किसके पालक रहे हैं किसको पालते थे गणपतियों को पाला करते थे गणपतियों को बताया करते थे इसलिए उनके बच्चे सारे गणपति या गण लोग लोग रहे हैं ये उनके सिंबल और प्रतीक रहे हैं जो बताते हैं ये सारे के सारे इतने ज्यादा हैं कि अगर आप इनका अन्वेषण करेंगे खोदेंगे तो आपको महाराष्ट्र में तीन बड़े बड़े अरत महादेव यानी शंकर मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में दो मिलेंगे उत्तर प्रदेश में एक है कश्मीर के अंदर एक है और इसके अलावा ये आपको झारखंड में मिलेंगे गुजरात के अंदर दो हैं ये अलग अलग स्टेटों में मिलेंगे पर सारे स्टेटों में नहीं है हरियाणा में नहीं है पंजाब में नहीं है और बहुत सारे केरल में नहीं है बहुत सारे जो स्टेट है उसमें नहीं है और बाद में छोटे छोटे थूप और छोटे छोटे स्तूप और छोटे छोटे पहुंच लगे उनका एक थूप बन जाता है स्तूप बन जाता है जिसको चैत्य भी बोलते हैं चैत्य भी बोलते हैं और जैसे बाबा साहब अंबेडकर का बना रह, इसमें बनाया हुआ है बुद्ध के तो बहुत सारे हैं वैसे ही जितने भी अर्थ लोग एक्सपायर होते हैं उनके बाद में जो उनके अनुयायी और शिष्य होते हैं वो पत्थर का या लोहे का या जैसा भी है स्थूप बना देते हैं थूप बना देते हैं और उस उसपे फिर क्या करते हैं उस पर एक मेला सा लगा लगाते हैं कि उस दिन ये शरीर इनका खत्म हुआ था तो उस दिन वहां मेला सा हो जाता है इसलिए बारह सील रात्रि पड़ती हैं हर महीने एक सील रात्रि पड़ती है और बारह सील रात्रियों में सबसे बड़ी सील रात्रि ये वाली होती है क्योंकि यहां शीलों का जागरण रात भर चलता है और यहाँ जो मन का मंथन है वो पूरी रात चलता है इसलिए ये सील रात्रि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसको मनाने वाले भारत के सारे समण लोग हैं और समण लोगों की पहचान खत्म कर दी समण लोगों के नाम बदल दिए सील रत्ती से शिवरात्रि हो गया और वहां पर सील का जागरण की बजाय वहां कर पानी का अभिषेक होने लगा पर पहचान नहीं खत्म हुई अभिषेक का मतलब है अभिषेक का मतलब होता है शेख माने होता है छिड़काव और अभिषेक अभी जला जल अभिषेक का मतलब होता है अभी जल अभिषेक का मतलब होता है पानी का छिड़काव और कहीं कहीं दूध का भी छिड़काव होता है ये पानी का छिड़काव करने की जो पद्धति है हमारी नहीं है हम अपने किसी भी स्तूप पे पानी का छिड़काव नहीं करते थे ना दूध का करते थे क्योंकि ये दूध का पानी का वेस्टेज है दरअसल ये छिड़काव की जो पद्धति है ये यहूदियों से आई है यहूदी जो लोग हैं वो जब धर्म परिवर्तन कराते हैं या किसी को यहूदी धर्म में लेके आते हैं तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं उसको उसको अभिषेक बोलते हैं पाली में अभिषेक बोलते हैं उनके यहाँ जो बोलते हैं वो अलग है और वही लोग ईसाइयों के अंदर आई जो बिस्मा करते हैं जो पानी की डुबकी लगा लगा देते हैं भारत में जब ये लोग वहां से आए तो आज भी जब ये किसी का शुद्धिकरण करते हैं या किसी चीज को अपने पाले में करते हैं तो प्रक्रिया करते हैं उसके ऊपर जल का अभिषेक करते हैं या दूध का अभिषेक करते हैं और कहते हैं कि ये जल का अभिषेक और बौछार करने के बाद में अब ये चीज हमारी हो गई और हमारे समुदाय में आ गई ये एक प्रतीक चिन्ह है कि प्रक्रिया है मन को बदलने की कि अब तुम हमारे पाले में आ गए हमारे मजहब में आ गए हमारे धर्म में आ गए अब तुम ऐसे हो गए तो जितने भी स्तूप हैं उन स्तूपों पे हर महीने हर साल लोग दूध और जल चढ़ाते हैं ताकि वो बुद्ध के स्तूपों से बुद्ध के थूपों से और, और लोगों के हो जाए यानी कि उनका जो मान्यता है वो बदल जाए पर मान्यता बदली नहीं मान्यता इसलिए नहीं बदली क्योंकि पूरे भारत के अंदर जो शिव पुराण है जो कथा है या जो पुराणिक कथा है वो संस्कृत में लिखी हुई है और संस्कृत को भारत में कोई नहीं जानता संस्कृत को भारत में कोई नहीं पढ़ता क्योंकि संस्कृत एक संस्कारित भाषा है जो पाली और जो बाहर की यानी यवन की और जो उधर से आए हुए लोग थे मध्य एशिया से उनकी भाषा की मिक्स भाषा करके बनाई गई थी और वो भारत के लोगों ने स्वीकार नहीं की इसलिए संस्कृत को कोई स्वीकार नहीं करता संस्कृत जो संकाय भाषा है उसमें कोई नहीं जाता और वो जो पौराणिक कथा थी उसी में लिखी हुई पढ़ के कुछ भी कोई सुनाता रहे पर उसकी कोई मान्यता होती नहीं पौराणिक कथा होगी इसलिए वो ज्यादा चीज नहीं फैली पर जो चीज फैली वो कमाल की ये फैली कि जब स्तूप पर, पर और शिव के लिंगों पर यानी कि जो सील है उनके चिन्हों पर लोग बैठते हैं और जाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं बेर चढ़ाते हैं बेर ये बेर चढ़ाने का जो काम है ये बेर नहीं चढ़ा रहे दरअसल ये था वैर वैर चढ़ाते थे यानी कि जो मन की बुराइयां हैं जो वैर है मन का उसको दे आते थे कहां दे आते थे वहां विपसना साधना करके बैठते थे रात भर सीलो का सीलो को याद करते थे सीलो का जारण करते थे सीलो को धारण करते थे और सीलो को धारण करते करते विपसना साधना करते करते जितने भी वेर थे यानी वैर थे वो सारे के सारे वहीं रह जाते थे तो लोग कहते थे क्या करके आए कह रहे हम तो वैर चढ़ा के आए वैर चढ़ा के वैर से पानी बदल दिया तो वैर हमारी प्रक्रिया है कि वैर से बेर बदल दिया कि बेर चढ़ाना है अब बेर का कोई स्तूप क्या करें पत्थर का स्तूप होता है उस बेर चला क्या करोगे कोई फायदा नहीं कोई साइन और कोई कोई पर वैर चढ़ाओगे तो मन शुद्ध हो जाएगा ये पुरानी प्रक्रिया है इसलिए जो अर्थ महादेव है उनके बारे में जितने भी लोगों ने खोज की वो सब ने ये कहा कि जितने भी थूप हैं, जितने भी स्तूप हैं, जितने भी शिवलिंग हैं, वो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोगों का कल्चर है और ये जो शिव है ये सील है क्योंकि तो शिव का मतलब होता है कल्याण जो बाद में बताया गया और सील का मतलब भी होता है कल्याण दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है वो सेम है शिव जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है और जो सील जो शब्द है वो पाली का ओरिजिनल शब्द है शिव शब्द पाली में नहीं मिलता कहीं भी इसलिए पंचदेव बोला जाता है कि महाशिवरात्रि पे पंचदेव होना है पंचदेव का मतलब है पंचशील का देना पंच दे माने होता है दे एव, इस प्रकार देना और पंच माने होता है पंचशील तो पंचशील का देना ये सारी सारी चीजें इतनी जबरदस्त और इतनी क्लियर हैं कि अगर आप सोचने बैठोगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि भारत की जितनी भी पौराणिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बुद्ध के नाम से और जो संस्कृति हमारी और जो समण लोग संस्कृति है उससे मिलती है जुलती है और उन्हीं की है पर मैं यहां किसी को ये नहीं कहता कि आप आज जाओ और जाके वहां पर भांग पीना शुरू कर दो क्योंकि उनका तो प्रसाद भांग है दरअसल जो अरत महादेव है उन्होंने कभी भांग भांगली नहीं कहा नशा को तो वो दूर करते थे पंचशील से जो पंचदेव दिया दिया करते थे पंचशील देव दिया करते थे तो उसमें नशा भी आता था सुरा मेरे ठानी मज्जा तो भांग कैसे पिला देंगे <coughs> दरअसल वो भांग नहीं है वो आपके जितने पाप कर्म है उनको भंग करना है उनके टुकड़े टुकड़े करना है उनको खत्म करना है तो कहते थे कि भंग का प्रसाद मिलेगा भंग का यानी कि पाप कर्म के भंग का प्रसाद मिलेगा तो पाप कम के भंग का प्रसाद जो मिलता था उसको भांग में बदल दिया और उसको घोट घोट के भांग को पिलाने लगे और कह लगे भोले जी का प्रसाद है कोई भी जो देव है देने वाला है जो अच्छा आदमी है जो अरथ है जो महादेव है जो देवता है वो अपने अनुयायी को नशा नहीं पिलाएगा कभी भी कभी नहीं कहेगा कि तुम नशा करो और कभी नशा खुद करेगा भी नहीं तो अरत महादेव के जो सींग है सींग में कई बार धुआं उठता दिखा देते हैं ऐसा नहीं है सींग में नमक रहता था क्योंकि अरत महादेव आते जाते रहते थे पुराने जमाने में बुद्ध के बाद भी क्योंकि अरत महादेव जितने भी आए वो महायानी हैं और बाद के हैं जब महायान बना था कोई भी महायानी के पास में ऐसा साधन नहीं था ना साइकिल थी ना रेलगाड़ी थी ना रिक्शा थी और उससे भी बड़ी बात के दो भाषाएं नहीं जानता था ऐसी भाषा नहीं जानता जो तमिलनाडु के अरत महादेव है वो हिमालय नहीं आए कभी और जो हिमालय के अरत महादेव है वो तमिलनाडु नहीं गए पर बुद्ध के जितने भी महादेव हुए हैं यानी जितने भी अरत महादेव हुए या जितने अनुयायी हुए जितने भी हुए हैं चाहे वो बजीयान में हुए हैं चाहे वो आ, महायान में हुए चाहे ही में हुए वो सारे यान बुद्ध तक जाते हैं वो लोग पूरे देश में फैल गए और गुजरात में तो इसका गढ़ रहा गुजरात में और महाराष्ट्र में तो इसका गढ़ रहा महाराष्ट्र में तीन बड़े बड़े स्टेशन बने और दो गुजरात के अंदर बने झारखंड तक भी पहुंचा और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बनारस में है ये वो गढ़ है जहां पर बहुत तेजी से धम्म को अरत महादेवों ने फैलाया और अरत महादेवों की ख्याति इसलिए है और अरत महादेव को मानने वाले सारे के सारे आपको समण मिलेंगे एक भी वर्मण नहीं मिलेगा इसलिए आप बार बार कह सकते हैं क्योंकि इसको जो शंकर महा महादेव है उनको हर महादेव बोला जाता है कश्मीर के अंदर और ये पुरानी पहचान पुरानी परंपरा समण लोगों की सारी के सारे सबूत के साथ में आती है मैं यहां किसी को ये नहीं कहता कि इस कहानी को आप सच माने या इस बात को सच माने या कल से आप अरत महादेव को माना शुरू करते हैं या शिव शंकर की जय जय माना शुरू करते हैं या माने या ना माने मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के चिन्ह बहुत जगह कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मिलते हैं और वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करते हैं जैसे जो शंकर अरत महादेव है उनके माथे पर तीन चिन्ह मिलते हैं जो सांची के गेट के स्तूप से मिलते हैं अगर सांची के गेप का कहीं से डिजाइन आया है क्योंकि ये तीन लाइनें जो होती हैं, ये तीन रत्नों की होती तीन, तीन लाइन है और अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरह से ये पाएंगे कि उनके पास में रुद्राक्ष है रुद्राक्ष का मतलब है रुद्र माने होता है अवरुद्ध करना यानी बंद करना और अक्षांश होता है इच्छा आकांक्षा आकांक्षा को अखाक बोलते हैं तो इच्छाओं को रोकना यानी इच्छाओं को खत्म करना उसको रुद्राक्ष बोलते हैं रुद्राक्ष वैसे एक पेड़ का नाम है उस पर जो बीज आता है उसका वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है उसकी माला पहन लेते हैं क्योंकि उसमें छेद होते हैं उसकी माला पहनते हैं तो उसकी माला इस बात को याद दिलाती है कि हमें ये प्रतन करना है कि अपनी इच्छाओं को अपनी आकांक्षाओं को अपनी डिजायर को रोकना है खत्म करना है और धम्म भी यही कहता है कि जितनी डिजायर है जितनी इच्छाएं हैं उन पर कंट्रोल किया जाए और उनको कंट्रोल करके खत्म किया जाए यही रुद्राक्ष कहता है तो रुद्राक्ष खाली बीज रह गया जबकि लोगों ने प्रण करने के लिए माला डाली क्योंकि तो जो महायानी है वो ये माला गंठी ताबीज पहन ले देते हैं जो ही यानी लोग हैं वो तो नहीं पहनते ही यानी लोग लोगों के लिए ये मना होता है पर महायानियों ने दस नियम बदले उनमें से एक नियम ये भी था वो शादी भी कर लेते हैं इसलिए ये सारे के सारे जितने भी महायानी के जो लोग हैं और जो करते हैं उसमें सारे सारे शंकर वर्ण के जितने भी महायानी है वो सारे सारे आते हैं तो सील रत्ती पे आप सब सीलों का जागरण करें सीलों को देखें सीलों को समझें सीलों को जानें मन के अंदर जो पाप है समुद्र मंथन करें मन का मंथन करें पाप को निकालें और जो वैर है उसको छोड़ आए उसको चढ़ा दें मन को शीतल कर लें गंगा की तरह बिल्कुल अच्छा कर लें और अरहत महा महादेव की तरह सबका कल्याणकारी करें कल्याणकारी बने और अंधविश्वास से और पाखंड से बिल्कुल दूर दूर रहे यही यहाँ जो महाशील रत्ती है उस पर क्या करते थे और महाशील रत्ती के बाद जब आता है कुछ समय बाद में वो आता है हमारा नाग पंचमी यानी नाग लोगों की पंचमी जहां पंचशील के पूरे सिद्धांत बताए जाते हैं जब वो नाग पंचमी आएगी तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको तो आप सबने ये ये जान जानकारी ली मैं फिर एक बार बोल देता हूं कि अरत महादेव या शंकर महादेव बहुत सारे हैं उनकी जानकारी देने का मकसद यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि आप उनके अनुयायी बने या न्याय या ना बने जानकारी देना समर संघ का मकसद है समर्थंघ सिर्फ जानकारी देता है उसको मानना या ना मानना या उसमें मंथन करना आपका काम है कोई बात उसमें झूठी भी हो सकती है कोई बात सच्ची भी हो सकती है क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा जितना भी देखा उसी के आधार पर बताया गया है जितना भी सोचा है जितना भी जाना है ऐसा कोई प्रूफ है नहीं क्योंकि पौराणिक कथाओं के कोई प्रूफ कहीं मिलते हैं नहीं अगर कोई बात गलत हो गई हो तो संघ मुझे माफ करे संघ मुझे माफ करे संघ मुझे माफ माफ करे संगम नमामि संग नमामि संगम नमामि जुड़ेंगे जीतेंगे जो जो जुड़े हैं वो वो जीते हैं जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं धन्यवाद आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद रेण गच्छामि